नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की तमाम खबरें देखने के लिए टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर जो इस कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहे, उन्हीं डॉक्टरों में अजय प्रताप सिंह और डॉक्टर वाई एम सलमानी साहब व डॉक्टर एम ए खान को डॉक्टर्स डे भारत रक्षा दल द्वारा पौधा और पीपी किट देकर सम्मानित किया गया। भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण ने बताया कि डॉक्टर अजय प्रताप सिंह सीएससी मोहम्मदाबाद कोहना में सुप्रीडेंट के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने कोरोना महामारी में पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरीजों के साथ क्वारंटीन सेंटर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योगा और प्राणायाम सिखाया। उनकी सेवा करते करते कब खुद कोरोना के शिकार हो गए इसका पता ही नहीं चला, फिर भी हिम्मत न हारते हुए अपने को 14 दिन के लिए पीजीआई में आइसोलेट करते हुए कोरोना पर विजय प्राप्त करके पुनः एक बार फिर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मोहम्मद अफजल ने बताया कि डॉक्टर सलमानी जो आजमगढ़ में गरीबों के मसीहा के रूप में माने जाते हैं, यह भी कोरोना काल में मरीजों की सेवा में दिन रात लगे रहे। उसी दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज इनके हॉस्पिटल में मिलने पर कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल बंद करना पड़ा था, लेकिन पुनः कोरोना पर विजय प्राप्त करने के बाद दिन रात मरीजों की सेवा में पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों का सम्मान करके भारत रक्षा दल के साथ ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हरकेश विक्रम, सुनील वर्मा, सोनू मिश्रा, डॉक्टर धीरजी, नसीम, उमेश सिंह, अनूप श्रीवास्तव, अमित वर्मा और नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण शामिल रहे। सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रिंटेंडेंट सीएससी मोहम्मदाबाद कोहना आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और इस समय अपने आवास पे पत्नी के साथ मौजूद हूँ। सर जैसे आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत आपने काम किया और आप खुद कोरोना पॉजिटिव रहे हैं, तो उस दौर में आपको कैसा फील हो रहा था? देखिए, जैसे ही ये हो गया कि कोरोना महामारी है और राष्ट्रीय संकट है, तो वैसी स्थिति में सिर्फ एक ही दिमाग में बात आई कि अगर ये राष्ट्रीय संकट है तो मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, सैनिक हूँ, चिकित्सक हूँ और कोरोना से लड़ने में मेरी जो महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, अगर मैं उसमें पीछे हटता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे कर्तव्यों के प्रति एक उदासीनता होगी। और जिसे राष्ट्रीयता की भावना इतनी ज़्यादा थी कि मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो जितना जल्दी चिन्हित हो जाए, उसे हम लोगों से अलग कर दें ताकि ये बीमारी न फैले। और इसके लिए सक्रियता से लॉकडाउन के समय में बिना घर पे रहे सारा का सारा समय हमने अपने अस्पताल पे दिया और 1400 से 1500 मजदूर जो हमारे यहाँ आए उन सबके साथ काम करके उन्हें बताना बीमारी से कैसे बचेंगे, बीमारी न फैला इसके लिए उन्हें घर पे जाके होम क्वारंटाइन में क्या करना है, ये सारी चीज़ों को समझाने के क्रम में कहीं ना कहीं ऐसा मुझे खुद को इन्फेक्शन हुआ। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और मैंने अपने एक अंदर से लगा कि नहीं, मैंने इतना जब लोगों के साथ, बस में आए लोगों के साथ, ट्रेन में आए लोगों के साथ काफ़ी करीब से जाके जब काम किया तो मैंने अपनी जांच यूं ही करवाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और 7-8 दिन बाद रिपोर्ट आई जिसमें कोरोना पॉजिटिव निकला। और फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोरोना को और करीब से पहचानने का, इससे लड़ने का ईश्वर ने एक मौका दिया है और मैंने सिर्फ लोगों को पॉजिटिव संदेश ही दिया कि कोरोना ना हो इसके लिए क्या करना है और अगर हो जाए तो कोरोना से बिल्कुल डरना नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य सी बीमारी है सर्दी जुकाम बुखार की तरह अगर आपने हिम्मत रखी है। सर आज डॉक्टर डे है, आज आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ लोगों से, अपने सामान्य नागरिक लोगों से एक यही अपील करना चाहता हूँ कि चिकित्सक आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, वह एक ऐसे कार्य को करता है कि जिसमें उसको पूरी तरह मानसिक सुकून चाहिए तभी वो सही निर्णय ले पाएगा। और ये समाज की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा माहौल बना के दें कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे चिकित्सक हैं, वो अच्छा कार्य कर सकें। ठीक सर, थैंक यू।